एक बार फिर गुंडागर्दी का नाच लुधियाना के जमालपुर इलाके में देखने को मिला, जिसकी सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस की तरफ से पीड़ित को इंसाफ ना मिलने पर पीड़ित ने मीडिया में गुहार लगाई कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, साड़ी सिस्टर धर्मगढ़ नूं बहुत ज्यादा मनते हैं, वो मंदिर गए है 9 बजे, जो मंदिरों अद्धे घंटे बाद 9:30 बजे वापस आए हैं तो गली का गेट गुआंढी ने लाता, इन्होंने रिक्वेस्ट की भी गेट खोलो, बारिश बहुत ज्यादा है। वो बाहर लेडी निकली, कहती गेट नहीं खोलना, उन्हें अंदर ताला लाया सी, गेट नहीं खोलना, और माड़ी जी खास सुनी हो गई, उन्हें सिस्टर धक्का दिता, वो पानी जड़ गए है। साड़ा भांजा बाहरों आया जिहड़ा गेट के परले पासे सी, वो कहता मेरी मां नूं धक्का दिता, आण के कोल खड़ा होया तां वो लेडीज़ जी ने धक्का मारिया सी, उहदे मुंडे ने राड घरों कढ के लिया मेरे भांजे सिर च मारी आ, जो भांजे सिर च मारी ये वो फटाफट हॉस्पिटल चला गया सिविल अस्पताल। उन्होंने की किया इन दी मीन टाइम तो मेरे ख्याल अद्धे घंटे बाद उन्होंने ना 40-50 बंदे इकट्ठे करके ना साढ़े घर से हमला बोलता, जो मेरे सिस्टर का घर है, क्योंकि एक छड़ के घर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगे सी, वो जिहड़े आ 14-15 बंदे जिहड़े सीसीटीवी कैमरे अंदर आ दे आ और तोड़ बन करते दरवाजे तोड़े साढ़े, साड़ी सिस्टर जो देखिया उन्होंने भी घर कोई है ही नहीं, दरवाजे तोड़ते सिस्टर बाहर निकली है भज्जी, और रौला पा रही है पानी की खड़ी हो गई, लोगों मैनू बचाओ, जो तो लोगों मैनू बचाओ किया तो वो भज गए हैं। अभी कहने इंसाफ होना चाहिए, बंदे रेस्ट पाओ, उन्होंने दो अंदर